विदिशा जिले के गंज बासुका शहर के पुराने मेला ग्राउंड स्थित मानस में 22 जुलाई से 30 जुलाई तक संपन्न होने वाले 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंग निर्माण के 9 दिवसीय आयोजन की व्यवस्था मुंडरी धाम के महंत 108 श्री परशुराम दास जी महाराज के सानिध्य में की गई। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से उक्त आयोजन के विषय में विस्तृत चर्चा की गई और शहर के नागरिकों को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए महंत श्री ने कहा कि उक्त भव्य आयोजन में हमें अपने तन मन धन का भी सहयोग कर सकते हैं। महाराज श्री ने कहा कि व्यक्ति धन से सहयोग नहीं कर सकता तो तन और मन का सहयोग तो कर सकता है। यह आयोजन आप सबका आयोजन है, इसे हम सबको मिलजुल कर है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। सवा करोड़ पार्थिव शिवार्जन श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष में गंज बासुका शहर के मानस भवन में 22 जुलाई से 30 जुलाई तक होने जा रहा है, जिसमें 22 जुलाई सुबह 10 बजे गंज बासुका के नौलखी राम मंदिर से महाकाल की महासवारी एवं कलश यात्रा निकाली जाएगी। मैं 3 से 4 घंटा लगेगा। इसके बाद 3 बजे यहाँ आने के बाद शिवलिंग निर्माण होगा। शिवलिंग निर्माण होने के बाद शाम को 4 बजे से पूजन अर्चन एवं 5 से 6 अभिषेक, 6 बजे महाआरती होगी। महाआरती जिसमें काशी बनारस से गंगा आरती करने वाले विद्वान ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। आचार्यगण बनारस से पधारे हैं एवं नगर ग्राम के भी विशेष विद्वान ब्राह्मण हमारे क्षेत्र के भी उपस्थित रहेंगे, दूसरा बार को संभालेंगे। संक्रम में संत सम्मेलन भी है, जहाँ से मथुरा वृंदावन काशी बनारस से विशेष विशेष विद्वान मूर्ति पधार रहे हैं, जो उनके मुखारविंद से अमृत वाणी होगी। से वैसे तो विशेष में 4 वेदों के विशेष ब्राह्मण 5 ब्राह्मण आ रहे हैं। ये वो 4 वेदों का सुबह प्रातःकाल अपने वाणी द्वारा उच्चारण करेंगे, वेदों का पाठ करेंगे। उन्हीं के द्वारा शाम को शिव जी का जो अभिषेक होगा वही काशी से पधारे हुए विशेष ब्राह्मणों द्वारा किया जाए। देखिए 2017 में जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवार्जन निर्माण हुआ था, बात तो यह है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भात के भूखे नहीं होते हैं। आप कहीं भी जाकर के कहीं भी पूजन अर्चन करें, ये नहीं कि हम हीरे जवाहरात चढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं, आपकी श्रद्धा भाव से बेलपत्र जल और पुष्प अर्पण करेंगे ना तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, वो अपना प्रमाण देते हैं कि नहीं मैं जो आप पूजन अर्चन कर रहे हैं तो हम मैं यहाँ विद्वान। उस समय विशेष पूजन अर्चन किया गया था, सभी नगर के और क्षेत्रवासी सभी लोग तन मन से लगे हुए थे, बड़े श्रद्धा भाव से थे। भगवान भोलेनाथ ने बहुत प्रमाण यहाँ पर दिए, जो कि आकार शिवलिंग निर्माण शिवलिंग का आकार कपड़े के ऊपर आया था, आज भी लोगों के पास है वो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं और भक्त के लिए बड़ी बात है। जहाँ श्रद्धा भाव होगा भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं, बस हमारे अंतरात्मा की बात। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।